समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस ली है और अभी से ही तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस समय पार्टी नेताओं का सारा जोर मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं के नाम बढ़वाने पर है। इसी सिलसिले में 22 जून को दोपहर बाद चक्कर की मीरा मुरादाबाद स्थित सपा कार्यालय पर वरिष्ठ सपा नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने की तथा संचालन महानगर अध्यक्ष अनिली शानू ने किया। इस बैठक में जिला व महानगर अध्यक्ष के साथ साथ राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य एवं सपा महिला सभा की पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश कुमारी यादव, वर्तमान जिला अध्यक्ष बेगम अफरोज जहां वारसी, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव डीपी यादव एडवोकेट तथा जयपाल सिंह सैनी, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व जिला अध्यक्ष अतर हुसैन अंसारी, सपा व्यापार सभा के प्रदेश सचिव हाजी इफ्तखार अली, वरिष्ठ सपा नेता अलहाज सैयद रईसुद्दीन नईमी व अलहाज सैयद उवैस मियां नईमी, कुलदीप तुरहा एडवोकेट, समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर उपाध्यक्ष हाजी सरताज आलम अंसारी और जिला उपाध्यक्ष पंडित नरेश शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक के विषय में जानकारी देते हुए सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने सिटी चैनल को बताया, देखिए आज की बैठक जो बुलाई है, हमारे जितने भी सब सम्मानित नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी से आवेदन करा है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्हीं के लिए एक बैठक बुलाई थी। उसमें हमारा मुख्य बिंदु जो है आगामी वोटर लिस्ट पर काम करने का है। वोटर नए यूथ जो 18 साल की एज पार कर चुके हैं उनको वोट बढ़वाने का काम है और बूथ पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर हमारी बूथ कमेटी बननी है। बूथ पर हर बिरादरी को साथ में लेकर एक नई बूथ कमेटी हम लोग बना रहे हैं, तो उसके लिए आज मीटिंग बुलाई है। उसमें इन लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है और कितने बूथों पर आप काम करोगे, कितने बूथ, इस तरीके की प्लानिंग के लिए आज हमने जिला कार्यालय पर एक बैठक आउट की है। कितने आवेदन आए वैसे 28 मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए? मुरादाबाद नगर विधानसभा से लगभग 18 आवेदन आए हुए हैं। अच्छा, और कांट विधानसभा क्षेत्र के लिए? कांट से भी लगभग 14-15 आवेदन आए हुए हैं। जिस तरह आज आपने ये 28 नगर विधानसभा क्षेत्र के आवेदकों की बैठक बुलाई है, क्या कांट विधानसभा क्षेत्र के आवेदकों की बैठक भी बुलाई जाएगी? मैं अब इसके बाद कांट विधानसभा के जितने भी समाजवादी पार्टी की जो आवेदन करा है, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनकी मीटिंग बुलाने जा रहा हूँ और उनसे भी अपने बूथ स्तर पर कार्यकर्ता को बूथ कार्यकर्ता मजबूत करें और उनको बूथ पर जो पदाधिकारी बनाएंगे हम उसके लिए पूरी समीक्षा करेंगे, तो इसीलिए हमने आज नगर की बुलाई और फिर कांट की बैठक बुलाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की तिथि निर्धारित हो गई है, क्या तैयारियां चल रही हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए 26 तारीख निर्धारित हो गई है। 26 तारीख को समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नामांकन कराएंगे। मैंने अपने सभी विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और जितने भी जिले के संगठन के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, पूर्व पदाधिकारी हैं, सबको कह दिया कि 26 तारीख को सब लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सुबह 10 बजे उपस्थित हों और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ जाकर उनका नामांकन कराना है। कचहरी हम सब लोग समाजवादी पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे और सब एक एक पार्टी का वर्कर मौजूद रहेंगे। जिला पंचायत सदस्यगण भी मौजूद रहेंगे? सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों को भी मैंने लिखित में भी और सबको टेलीफोन से भी सूचना दे दी गई है। सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्य भी हमारे मौजूद रहेंगे। सपा महानगर अध्यक्ष शानेली शानू ने इस अवसर पर कहा, आज जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी से विधानसभा 28 के जो भी विधायक पद के प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, मतलब आवेदक हैं, आवेदक हैं जी, उनको जिलाध्यक्ष जी ने बुलाया है और उनको वोटर लिस्टों पर काम करने के लिए निर्देश दिए हैं। उसी के बारे में चर्चा की जा रही है, उसी के लिए आज रणनीति तैयार की जा रही है। तो मतलब क्या उद्देश्य है कि मतलब मतदाता सूचियों में जो वोटर नहीं अभी शामिल हो सके उनके नाम बढ़ाए जाएं? हमारा उद्देश्य यह है कि जिन मतदाताओं के मतदाता सूचियों में नाम नहीं है उसमें हमारे पार्टी के जो वर्कर हैं वो जो भी BLO हों उनकी मदद करें और उनके साथ लगकर नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। ये जो मतदाता सूचियों में नाम बढ़ाने का अभियान है ये किस तारीख से किस तारीख तक के लिए है? ये
नवंबर माह तक जो है नाम बनवाने हैं हमें, नवंबर माह तक ये चलेगा।